सर ये ना कुछ स्टूडेंट्स का आया जो वीडियो बनाया 12-15 मिनट का, वह कहते भी सानू 2 मिनट का एक दस दो भी सिंपल जहा प्रोसैस भी एडमिशन का प्रोसैस की है भी बच्चे ने किवें अपलाई करना है की चीज़ों का उन्हें ध्यान रखना जस्ट ब्रीफ 2-3 मिनट। हाँ जी बच्चे ने सर अपलाई करने वास्ते वैबसाइट जिमें आप दसी से PUP.admissions.ac.in है वो डिस्क्रिप्शन भी होगी भी वो वैबसाइट के उत्ते बच्चे ने विजिट करना उत्थे विजिट करके बच्चे ने फॉर्म भरना उदे ते सब तो पहला बच्चा रजिस्टर करता है जो रजिस्टर करता है तो उसकी जिहड़ी फीस है वो फीस उन्हें पे करनी है क्रैडिट कार्ड डेबिट कार्ड किसी भी चीज़ के थ्रू वो पे कर सकता है तो उन्होंने एक यूजर आई डी पासवर्ड वो जिहड़ा मोबाइल नंबर दिता हो आ जाता है। इत्थे रोक रहा मैं 1 मिनट, एक मैं होर दसना चाहना स्टूडेंट्स में भी हरेक कोर्स का अलग फॉर्म है ये जरूर देखना भी फॉर्म नंबर तुसी किन्ना भरना 15 तो वह सारिया डिटेल जिहड़ियां भी अकैडमिक डिटेल्स होणगियां भर देगा कैटेगरी दी डिटेल्स भर देगा। इस चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना कि जिहड़ी ब्रांच तुसीं पहले नंबर पर चूज़ कर रहे हो तुहानूं सब तो पहला उहदे च कंसीडर किया जाऊगा उदों बाद दूजी चॉइस आएगी फिर तीजी वो चॉइसिस की अहमियत बहुत है कि सैकंड नंबर पर तुसीं की लैना चाहुंदे हो ये तुसीं सोच समझ के भरना है। हाँ जे तुसीं इक्को ब्रांच ही अपलाई करना तुसीं इक्को ही सिलैक्ट कर सकदे हो। दूसरी चीज़ कैटेगरी सही सिलैक्ट करनी बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे कैटेगरी पहला सिलैक्ट नहीं करते बाद च कहें कि जी साडी आ कैटेगरी बनती है वो साडे लिए मुश्किल हो जाती है फिर रैंक बच्चे दा जनरल दे विच कंसीडर हो फिर क्योंकि उदों बाद दे विच जदों एक बार मैरिट बन गई फिर कोई नवी बच्चे की एंट्री नहीं हो सकती। सो इस करके हुणे जो फॉर्म भरना कैटेगरी आपकी सही सिलैक्ट करनी तो जिन्नी कैटेगरी तुसीं एलिजिबल हो सारियां सिलैक्ट करनियां जरूरी। एक चीज़ आपां होर दस दईए स्टूडेंट्स नूं दसना चाहते हैं भी जिहड़े तुसी सर्टिफिकेट है जां मार्क्स लिस्ट है उहदे लई इक अलग पोर्टल है उस दे विच तुसी अपने सारे सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। हाँ जी मतलब फॉर्म अज आपां कहीए दो फॉर्म है एक तो फॉर्म फिल करता है एक वो जिहड़े फॉर्म च आपां वैल्यूज़ भरियां मार्क्स भरे आ सर्टिफिकेट भी अपलोड करने हैं उहदा भी तुहाडे कोल लिंक होऊगा जदों तुसी डैशबोर्ड ते जाओगे अपने उहदे पता लगेगा भी तुसी अपलोड करने हैं पर करने भुलने नहीं है तुसीं। चिरंजीत सर उहदे च स्टेजेस दिखांदा है ना। हाँ जी हाँ जी उही वो देखनियां ने स्टेजेस स्टेज 1 2 स्टेज 2 तुहानूं स्टेजेस दिखदियां रहिंदियां उत्ते भी तुसीं किन्नी स्टेज ते पहुंचे होए आ मतलब सारियां स्टेजां तुसीं क्लीयर होणियां चाहीदियां स्टेजां मतलब भी तुसीं अपलोड करने आ डॉक्यूमेंट जरूरी करने आ फॉर्म भरन तों बाद उहने डॉक्यूमेंट आपदे वो अपलोड करने आ। जे किसे दे कोले हजे डॉक्यूमेंट नहीं भी आया तां इक वारी इंटरनेट वाला रिजल्ट है तो वो वाला इनू अपलोड कर सकता है। जिते असी +2 DMC लिखते हैं मतलब असी रिजल्ट की गल कर रहे हो रिजल्ट जो हजे बच्चे को DMC इशू नहीं हुई तो वो जो इंटरनेट वाला रिजल्ट वो कर दे बाद DMC जमा करवा सकता है। तो जदों उसने सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करते प्लस उन्हें जो रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई तो फिर काउंसलिंग असी जिहड़ा शेड्यूल है वो बच्चे नोटिफाई करांगे असी वैबसाइट पर भी पाते रहेंगे बच्चे के मोबाइल पर मैसेज भी जाएगा मेल भी जाएगी तो उस तो बाद असी काउंसलिंग करांगे वो काउंसलिंग दे विच की होएगा मैरिट असी बच्चे की बनावांगे मैरिट क्राइटेरिया के हिसाब नाल तो वो लिस्ट असी ऑनलाइन फिर डिस्प्ले करांगे उहदे च असी ओबजैक्शन मंगदे हां बच्चों तो जे किसी नूं कोई ओबजैक्शन है किसी नूं लगता मेरे नंबर घट वध हो गए तो फिर बच्चे नूं थोड़ा टाइम दिता जांदा 1 दिन का वो सानूं रिपोर्ट कर सकदा। उस तो बाद फिर फाइनल मैरिट आउंदी है जिहदे च एलोकेशन हुंदी है कि किहड़े बच्चे नूं किहड़ी ब्रांच मिल गई। ठीक है हाँ तो उस तो बाद बच्चे नूं कुछ दिन दिते जांदे ने 2 या 3 दिन उहदे च उहने फीस भरनी हुंदी है। कई बार बच्चों को फीस की भी प्रॉब्लम आती है तो हूँ बच्चे इस चीज़ का भी मेरी बेनती है सारे बच्चों तो उन्होंने मापियां भी वो ध्यान रखन क्योंकि जदों सानू पता है कि असी कितने एडमिशन लैन जा रहे हैं फीस ऑनलाइन दसी हुई है तो सानू शेड्यूल भी दे दिता जाएगा तो असी थोड़ा जा उस चीज़ को मन के चलीए भी सानू 2 दिन ही मिलने फीस भरन लिए उसकी तैयारी जरूर रखन। बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो फिर उन्हें फीस भरनी होगी बच्चे की तो सीट कन्फर्म हो जाएगी। जिहड़े बच्चे की एडमिशन उदों नहीं होएगी वो मैरिट के नहीं आएगा उदो वो बच्चा साढ़े को वेटिंग लिस्ट च जरूर रहेगा। ठीक है सैकंड काउंसलिंग होगी हाँ वो फिर सैकंड काउंसलिंग होएगी थर्ड होएगी। असी देखिया कि आम तौर पर पिछले सालों के रुझान के सू देखने आया कि आम तौर पर 5-5, 6-6 बार वेटिंग लिस्ट सू चकनी पैंती है। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बच्चे ने मल्टीपल जगह अपलाई किया होंगे अपनी स्टेट हाँ आपकी स्टेट अपलाई किया होंगे तो यह चीज़ा है
पर यह कि स्टैप यही ने कि पहला तुसी रजिस्टर दे लिए रजिस्टर करो, पेमेंट करो, तुसी यूजर आई डी पासवर्ड मिलेगा, फिर आपकी डिटेल भरो, हाँ फिर आप सर्टिफिकेट अपलोड करो, तो उस तो बाद फिर शड्यूल की वेट करो, फिर जो शड्यूल आ गया जो कोई होर डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी असं तुम्हें कॉन्टैक्ट करा बच्चे। ओके थैंक यू जी। बाकी मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा जो डिटेल से वीडियो बनाया वो जरूर देखो एक बार, इस एक बेसिक जी डिस्क्रिप्शन दसी है तुम्हें असी भी किमें एडमिशन लैनी है पंजाबी यूनिवर्सिटी बी टैक। थैंक यू।